मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतजार किया है। तो हेलो मेरे भाई लोग, यार आपने फिर भी हम तो देख लोगा इस तरह की इमेजेस एंड वीडियोस इंस्टाग्राम पे मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही। तो मेरे भाई इस तरह की इमेजेस एंड वीडियोस हमें कैसे क्रिएट करना है गर्ल एंड बॉय के लिए, दोनों के लिए। तो मेरे भाई इस वीडियो में आपको तुम्हारा भाई एंड तक बता देगा, आपको एंड तक वीडियो को देखना तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, नहीं तो मेरे भाई आपको टेक्स्ट लिखना भी नहीं आएगा। तो आप फिर बोलोगे भाई कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो चलो मेरे भाई वीडियो करते बिना देरी स्टार्ट। पहले तो आपको मेरे भाई क्या करना, आपको क्रोम ओपन करेंगे या तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन एंड बहुत सारे बात, जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है, विंग है एप्लीकेशन, इन दो में से एप्लीकेशन एक को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस पर आपको लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करना नहीं आता तो आपको मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ एंड उस वीडियो को देखा, नहीं तो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देखो एंड क्लिक करके लॉगिन कर लो अपना अकाउंट, ठीक है। सिंपली मैं उस ऐप को ओपन करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट को, तो सिंपली मैंने वो ओपन किया। इसको आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने, फर्स्ट में आपको इस साइट इस पर क्लिक करना, आस्क इन मी, इस पर आपको सर्च कर देना, ठीक है। मेरे भाई आपको क्या करना है, विंग इमेज क्रिएटर या जनरेटर कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया और फर्स्ट वेबसाइट आपको ये देखने को मिल जाएगी। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना, ऐसा हमारा क्रोम पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको क्रोम पे सर्च करना तो क्रोम पे भी सर्च कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो सिंपली मैंने इस पर टैप किया एंड टैप करने बाद देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे क्या करना, टेक्स्ट डालना, ठीक है। टेक्स्ट कौन सा डालना, जो भी मैं टेक्स्ट दूंगा वही डालना, ठीक है। ध्यान से देखना, टेक्स्ट आपको मेरे टेलीग्राम एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, दोनों जगह आपको देख लेना, ठीक है। सिंपली आपको उस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करना, पेस्ट करने बाद मेरे भाई आपको देख लेना ध्यान से मेरे भाई इस टेक्स्ट पर क्या चेंजेस करना एंड क्या नहीं चेंजेस करना, ठीक है। सिंपली मैं आपको दो टेक्स्ट दूंगा, दोनों टेक्स्ट में सेम ही चेंजेस करना, ठीक है। जो भी आपको टेक्स्ट पसंद हो उस टेक्स्ट को आपको डाउनलोड कर, अरे उस टेक्स्ट को आपको मेरे भाई कॉपी कर लेना एंड पेस्ट कर देना। पेस्ट करने बाद सिंपली आपको मेरे भाई इस पर क्या चेंजेस करना बस वो देख लो, ठीक है। यहाँ पे आपको बस मेरे भाई आपको थोड़ा सा बस चेंजेस करना, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ थोड़ा सा एंड यहाँ पे मेरे भाई आपको देखने को मिल जाएगा सिंपली आपको क्रिएट ए कार्टून, ठीक है। सिंपली आपको मेरे भाई इस पर बस इतना ही चेंजेस करना कार्टून, सिंपली आपको कार्टून वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आपको हटा देना। सिंपली आपको मेरे भाई यहाँ पे लिख देना आपको 3D, बस सिंपली इतना ही मेरे यहाँ पे लिखना है एंड लिखने के बाद मेरे भाई 3D लिख दिया, देख सकते हो। अब सिंपली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा और चेंजेस कर देना, सिंपली आपको दोनों ऑप्शन मतलब दोनों टेक्स्ट पे इतना ही चेंजेस करना, ठीक है। यहाँ पे ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है, सिंपली आपको देखने को मिलेगा ईयर ओल्ड बॉय एंड बॉय, ठीक है। सिंपली आपको एंड बॉय की जगह आपको क्या कर देना, सिंपली यहाँ पे बॉय लिखा फिर आपको यहाँ पे गर्ल कर देना, ठीक है। इस बॉय को गर्ल कर देता हूँ, बॉय एंड बॉय में समझ सकते हो, तो यहाँ पे गर्ल कर दिया, बॉय एंड गर्ल। सिंपली आपको मेरा इतना ही करना और यहाँ पे आपको जो भी अपना मतलब नेम वगैरह वो आपको लिख लेना, सिंपली लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। सिंपली इतना ही करना आपको, जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे बस थोड़ा सा टाइमिंग लेगा एंड अपना फोटो है ना जो क्रिएट होके दे देगा। अब सिंपली आपको क्या करना, इस पर फोटो को डाउनलोड कैसे करना सब कुछ मैं बता दूंगा एंड इस पर वीडियो कैसे बनाना, किस इफेक्ट बना सब कुछ आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। सिंपली आप देख सकते हो मैं पहले भी मतलब बना चुका हूँ इनका, तो सिंपली आपको जो भी इस पर पसंद हो सिंपली वो आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करना आपको नहीं आता तो देखो सिंपली आपको क्या करना, फोटो पे दबा के रखो एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन, तो देख सकते हो डाउनलोड कर लेंगे। सिंपली देखो जैसे कि मैंने ये वाले दिखा दी, अभी मैं थोड़ा सा और अच्छा दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो ये वाला आपको टेक्स्ट चाहिए तो ये दोनों टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा मेरे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सिंपली आपको वही चेंजेस करना जो मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, ठीक है, उतना ही चेंजेस करना। ये भी टेक्स्ट आपको देख लो, सिंपली आपको जो भी फोटो पसंद है वो आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आपको पता हो गया होगा टेक्स्ट कैसे कॉपी करते, तो जैसे कि मैंने इस पर जैसे कि चलो मैंने कोई सब यहाँ से नहीं फोटो, ये इस वाली जगह से फोटो डाउनलोड कर ले रहा हूँ इस वाले से, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, फोटो पे आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड कर दी। डाउनलोड करने बाद आपको मेरे भाई क्या करना, आपको अलाइट मोशन ओपन करना, सिंपली अलाइट मोशन, ठीक है। अलाइट मोशन ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे मेरा अलाइट, सिंपली मेरा यहाँ पे अलाइट मोशन ओपन हो गया। अब क्या करना आपको, प्लस के कॉर्नर पे क्लिक करना एंड बैकग्राउंड कोई सा भी रख लो 9x16, ध्यान से क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। सिंपली आपको उसी फोटो को सेलेक्ट करना, प्लस पे जाना, मीडिया पहले कॉर्नर पे जाना एंड उसी फोटो को सेलेक्ट करना एंड सिंपली फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे ये बॉक्स देखने मिलेगी, इस बॉक्स पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर देना। सिंपली आपको नीचे वाले फोटो पे टैप करके ऊपर साइड आपको 3 डॉट का कॉर्नर देखने मिलेगा, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको फिल कॉम्बिनेशन एरिया सिंपली इस पर कर देना एंड पीछे वाला हमारा फोटो पूरे बैकग्राउंड पे लग जाएगा। अब सिंपली हमारा पीछे वाले फोटो पे क्लिक है, अब इफेक्ट वाले कॉर्नर पे क्लिक करना, एड इफेक्ट,
बिलर का ऑप्शन ये देखने को मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करके गजन बिलर इफेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना एंड आप जितना भी इस पर स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर दें, जितना भी बिलर देना चाहो तो इस साइट आप इसको बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, सिंपली आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी पसंद हो जितना तो उतना कर लेना। अब मेरे भाई फर्स्ट फोटो पे अब हमें क्लिक करना, बॉर्डर एंड शैडो पे टैप करना, इसका स्टॉक आपको सिंपली इनेबल कर लेना। स्टॉक का कलर जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो एंड इसकी साइज भी देख सकते हो, जो भी जितना भी करना चाहो कर सकते हो। सिंपली इतना होने बाद आपको मतलब अपना नेम वगैरह इसका आईडी वगैरह जो भी लिखना तो देख सकते हो। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको टेक्स्ट का कॉर्नर देखने मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना एंड सिंपली आपको अपना इंस्टा आईडी जो भी नेम मतलब इमोजी वगैरह देना चाहो तो दे सकते हो। जैसे कि मेरा नेम है, ठीक है, मैं अपना नेम लिख रहा हूँ एंड सिंपली मैंने लिख दिया। ऊपर साइड आपको देख सकते हो कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कलर वगैरह आपको सब कुछ सेलेक्ट कर लेना, वाइट जो भी कलर हो, फ्रंट का जो भी फ्रंट वगैरह आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हो। ठीक है, सिंपली इतना करने बाद इसको यहाँ पे रख देना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे भी रखना चाहो। ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडो का भी ये स्टॉक थोड़ा सा इनेबल कर दिया है, आपको जितना पसंद उतना कर सकते हो। ओके, अपने अकॉर्डिंग अच्छे से सेलेक्ट कर लेना। सिंपली आपको इसको डाउनलोड करना है इस फोटो को, तो इस वाले कॉर्नर पर क्लिक करना एंड अब इससे मेरे भाई हमें डाउनलोड करने बाद इस पर वीडियो कैसे बनाना करंट फोन PNG पहले कर लेना एंड एक्सपोर्ट कर लेना। ओके, यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर ले रहा हूँ इस फोटो को। सिंपली मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट करने बाद सेव वाले कॉर्नर पे क्लिक करके अब मेरे भाई इस पर हमें वीडियो कैसे बनाना, तो सिंपली आपको मेरी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिलेगी, टेम्पलेट लिंक का, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना, उस लिंक पे क्लिक करना, आपको मेरे टेलीग्राम पे भी वो टेम्पलेट लिंक मिल जाएगी। सिंपली वो आपको क्रोम पे भेज देगी। ठीक है, तो या तो टेलीग्राम से ओपन कर लो या तो उस वहीं से। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको ओपन करना तो कर लेना एंड सिंपली मैंने यहाँ पे यूज टेम्पलेट पे क्लिक करना। ठीक है, यूज टेम्पलेट ऑन कैपकट, आपके पास कैपकट एप्लीकेशन होना चाहिए, नहीं है तो मेरे भाई टेलीग्राम से डाउनलोड करो एंड सिंपली सॉरी मेरे भाई आपको VPN भी कनेक्ट करना है, जैसे कि मैं VPN तो भूल ही गया था, तो पहले आपको कोई भी VPN आपको सेलेक्ट कर लेना। सिंपली मैं एक VPN कनेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ से कोई सी VPN आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये VPN यूज कर ले रहा हूँ, यहाँ से मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, बस थोड़ा सा टाइमिंग लेगा, ये कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कनेक्ट हो चुकी है हमारी VPN, तो सिंपली आपको मेरे टेलीग्राम पे आना। ठीक है, टेलीग्राम पे आने बाद उसी वाले टेम्पलेट लिंक पे जाना या तो उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करना और यहाँ से बस थोड़ा सा टाइमिंग लेगा, टेम्पलेट लिंक अपना ओपन, नीचे जाओ, यहाँ पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको यूज टेम्पलेट ऑन कैपकट, सिंपली इस पर मेरे भाई मैंने क्लिक किया एंड बस ये अपना ओपनिंग टेम्पलेट हो चुका, तो देख सकते हो ओपनिंग हो चुका। होने के बाद क्या करना, यूज टेम्पलेट पे सिंपली क्लिक करना और यहाँ से ऊपर साइड आपको कॉर्नर पे फोटोज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना एंड मेरे भाई आपको प्रीव्यू पे टैप कर देना और सिंपली हमारा थोड़ा सा यहाँ से लोडिंग लेगा एंड वीडियो हमारा ये बना के दे देगा ये टेम्पलेट। तो इस वीडियो को कैसे एक्सपोर्ट करना तो देख सकते हो, ऊपर साइड आपको एक्सपोर्ट का कॉर्नर देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना, यहाँ से आप देख सकते हो जितना भी अपना क्वालिटी रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे सेव टू डिवाइस पे टैप कर देना, सिंपली ये हमारा सेव हो जाएगा गैलरी पे। गैलरी पे सेव होने के बाद आपको अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है, जो भी करना कर सकते हो। मेरे भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना है।